डॉक्टर साहब, आप ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इस गाड़ी में रविंदर की लाश तालाब में नहीं फेंकी गई थी? और तुम ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि यही वो गाड़ी है? डॉक्टर साहब, ये मानने के पीछे कई सारी वजहें हैं। तो मैं भी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सोहन ने अपनी आंखों से इस गाड़ी का नंबर नोट किया था कि नहीं? अभिजीत, कई बार आंखों से देखी बातें गलत साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम जानबूझकर के इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हो ताकि अपनी छुट्टियों पर जा सको। क्या बात कर रहे हैं सालुंके? अभिजीत, दोनों शांत हो जाओ यार। सालुंके, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वो गाड़ी नहीं है? बताता हूँ, इसके लिए मुझे एक हथौड़ी चाहिए। सुधाकर सर, हथौड़ी मेरे सिर पे मारेंगे क्या? नहीं, अपने सर पे मारूंगा। ये लीजिए अभिजीत। अरे यार, तुम साबित क्या करना चाहते हो सालुंके? ये देखिए, जब मैंने इस हथौड़ी को इस फेंस पे मारा तो इस फेंस का पीला कलर इस हथौड़ी पर लग गया और इस फेंस पर भी निशान पड़ गया। हाँ तो अभिजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो जब दो चीजें फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों पर असर होता है। अब ये गाड़ी अगर सोहन के गेट से जाकर के टकराई, गेट पर डेंट पड़ा, तो इस गाड़ी पर भी तो कुछ होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है? डॉक्टर साहब, हो सकता है कि उसने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करा ली हो। अभिजीत, इस गाड़ी को तुम गौर से देखो, इस पे कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई गई और इसीलिए मेरा मानना है बॉस कि ये वो गाड़ी नहीं है। कोई जानबूझकर रस्तोगी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, खूनी कोई और है। I'm sorry, डॉक्टर साहब। रिलैक्स। छुट्टी कैंसिल। मन्नूलाल महेश रस्तोगी रोहन, इन्हीं में से कोई एक होगा ना जिसने रविंद्र का खून किया है, क्योंकि यही लोग रविंद्र की असलियत जानते थे। और सर, इन्हीं लोगों को यह भी मालूम था कि रविंद्र के पास 97 लाख रुपए हैं। सर, सबसे पहले हमें उस व्हाइट मारुति वाले को ढूंढना होगा। मैंने आशा को सारे गैराजेस और इंश्योरेंस कंपनी से पता करने के लिए कहा है। हो सकता है कि जिस आदमी की यह गाड़ी थी वो किसी गैराज में गया होगा अपनी गाड़ी ठीक ठाक कराने के लिए, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हरजाना मांगने के लिए। सर, आशा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में सफेद रंग की मारुति गाड़ी क्लेम के लिए आई थी। एक्सीडेंट केस है, किसी गोपाल राव के नाम। गोपाल राव? मुझे खुद पता नहीं, मैं एक हफ्ते से बाहर गया हुआ था और गाड़ी यहाँ कंपाउंड में खड़ी थी। जब लौट कर आया तो गाड़ी में इतना बड़ा डेंट। अब बताइए सर, घर में खड़ी गाड़ी को कोई मार गया, मैं क्या करता? वैसे आप गए कहाँ थे? मैं लोनावाला गया था, और आप कहें तो मैं होटल के बिल भी आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम आपकी गाड़ी देखना चाहेंगे। चलिए देखिए, बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जब गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस डेंट तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पेंट भी उतरा हुआ है, मुझे तो लगता है यही गाड़ी है। हाँ सर, नंबर प्लेट के स्क्रू बहुत लूज है सर, लगता है नंबर प्लेट बदली गई है। इससे तो लगता है कि किसी ने गाड़ी चुराई और फिर रस्तोगी की नंबर प्लेट इस पर लगा दी और अपना काम खत्म करने के बाद गाड़ी यहाँ वापस लाकर खड़ी कर दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फंसाया गया है। कौन फंसाना चाहता है आपको? महेश, रोहन, मन्नूलाल, हाँ? इन तीनों के अलावा और भी तो कोई हो सकता है। और कौन? आप लोगों के अलावा और कौन जानता था कि रविंद्र अपने साथ इतने सारे पैसे लेके जा रहा है? रविंद्र की पत्नी जानती थी इस बारे में? नहीं, कुछ मालूम नहीं, वो अपने बीवी के साथ ज्यादा बात ही नहीं करता था। हाँ, मगर क्या? उसका किसी रोजी नाम के लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। ये आपको कैसे पता? रविंद्र एक बार शराब के नशे में धुत था तब उसने उसका जिक्र किया था, पर फिर वो बात टाल गया। इस रोजी के बारे में और क्या जानते हो तुम? वो शायद किसी जुए के अड्डे में काम करती है। जुए का अड्डा? हाँ सर, रविंद्र की लाश से ये टोकन मिला था, कहीं ये टोकन किसी जुए के अड्डे का तो नहीं? दया सर, अपने इन्फॉर्मर से इस टोकन के बारे में पता करो, हम लोग रविंदर की पत्नी को जाकर मिलते हैं, देखते हैं वो रोजी को जानती है या नहीं। नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मेरे मरे हुए पति को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
पहले आप लोगों ने कहा था कि वो किसी जुए के अड्डे में काम करते हैं और अब आप कह रहे हैं कि इस औरत के साथ उनका कोई रिश्ता था। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम सिर्फ आपके पति के खूनी तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ तो फिर पहुंचिए ना उनके खूनी तक। लेकिन लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। देखिए शिल्पा जी, हम खुद ये सब कह नहीं रहे, ये सब हमें रसोगी ने बताया है। एसीपी साहब, किसी मरे हुए आदमी पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस जवाब नहीं दे सकते। चलो। हेलो सर, मैं दया बोल रहा हूँ। हाँ दया। सर शोकन का पता चल गया है, जुआ खेलने के काम आता है। अच्छा। हाँ सर, साइन के अंबर क्लब का है सर। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, हम वहीं पहुंचते हैं। जा पकड़ो। ए, अरे बोलो तुम क्या है भाई, क्या चाहिए? तुम्हें कांटा चला था? अरे नहीं साहब, ये तो मैं। अरे ओरे हां, ये क्या है? क्या ये गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। रोजी यहाँ काम करती है? अब काम करती थी, लेकिन वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर कली चली गई। इसे पहचानते हो? साहब मैं इसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये यहाँ आता बहुत था। रोजी इसे जानती थी? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये रोजी पर फिदा था। ये यहाँ जुआ खेलने कम और रोजी से मिलने ज्यादा आता था। ये रोजी रहती कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। बताओ। नहीं पता। बताओ। आप रोजी हैं? जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, CID। पर आप लोग आइए। कहिए कैसे आना हुआ? आप इन्हें जानती हैं? कहीं देखा तो लग रहा है, पर कौन है ये? ये रविंदर है, अंबर बार में बहुत आता जाता, इसका खून हो गया। खून? Oh my God. हमें तो पता चला है कि इनकी आपसे अच्छी दोस्ती थी। मुझसे दोस्ती? देखिए ये उस क्लब में आता जाता था जहां मैं नौकरी करती थी, दो चार बार बात भी हुई थी, पर दोस्ती वोस्ती जैसा चक्कर नहीं था इसके साथ। आपने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रविंदर जैसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को देखकर हर वक्त मुस्कुराते रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। CID के लोग हैं ये, अरविंद। मेरा मंगेतर। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। देखिए मैं एक अच्छे घर से हूँ, बस पैसे की तंगी के कारण थोड़ा टाइम क्लब में नौकरी करनी पड़ी। तो फिर रविंद्र कात्रे का खून किसने किया होगा? रोजी ने? हो सकता है सर, रोजी और रविंद्र की सच में दोस्ती हो। रविंद्र ने उस 97 लाख रुपयों के बारे में रोजी को बताया होगा, पैसों के लालच में आकर रोजी ने ही रविंद्र का खून कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि रविंद्र की पत्नी शिल्पा ने यह खून किया हो, शायद वो ये जान गई हो कि रविंदर का रोजी के साथ चक्कर चल रहा था। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। सर लगता है ये खून शिल्पा ने नहीं किया। जल्दी उतारो उसे नीचे। नोट लगता है। मैं रविंदर के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं।
हटिए प्लीज, हटिए 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 हटिए, चलो पीछे आइए पीछे आइए, चलो। ये आत्महत्या नहीं है बॉस, ये खून है। खून? आशा, सुधाकर, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो, देखो ऐसे कुछ मिलता है क्या, डायरी या नोट जिससे हम शिल्पा के हैंडराइटिंग मैच कर सकते। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये खून है ये मानने की कोई खास वजह? अभिजीत यहाँ। एक क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ ये खून कैसे है। ना इसे पकड़ो, आप इसे पकड़िए, अब इसे आहिस्ता से खींचिए। संभाल के हैं? हाँ, कुछ नहीं होगा, आहिस्ता से खींचिए। गुड। अब देखिए, अगर हम इसे जोर से खींचते तो अभिजीत की गर्दन पे चारों तरफ इस दुपट्टे के निशान हो जाते, और अगर इस लड़की ने आत्महत्या की होती और ऐसे लटकी होती तो शरीर का सारा वजन यहाँ आता, और इसलिए इसके सिर्फ यहाँ दुपट्टे के निशान होते, यहाँ नहीं, और ये नॉट थोड़ी सी ढीली हो जाती लटकने की वजह से। राइट, अब आप इस लड़की को देखिए, इसकी ये नॉट एकदम टाइट है। हाँ, और इसकी गर्दन पर ये देखिए, चारों तरफ दुपट्टे के नीचे। राइट, इसीलिए बॉस ये आत्महत्या नहीं है। सर, ये डायरी मिली है, इसमें हर दिन की लॉन्ड्री और राशन का हिसाब लिखा है। शिल्पा ने लिखा होगा ना? सुसाइड नोट दो। ये दोनों राइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती, इसका मतलब है ये नोट शिल्पा ने नहीं लिखा था, ये काम उस खूनी का ही है। लेकिन सर, खूनी हो कौन सकता है, जिन पर भी हमें शक है वह सब पकड़े जा चुके हैं। सब नहीं आशा, कोई एक तो है जो खुला घूमता है, रोजी। रोजी को ब्यूरो में लेकर आओ। कहां गई होगी? Excuse me? हाँ? ये रोजी कहाँ है? बाहर गई है शायद, उसके हाथ में सूटकेस था। अकेली थी? नहीं, उसके साथ एक लड़का था। कौन था? अरविंद? पता नहीं क्या नाम है। थैंक यू। आठ बड़ी गोल गोल, हाँ परफेक्ट, ये ठीक है, बाल और लंबे, और यहाँ होठ के पास एक काला। अच्छा सर, जैसे ये आइडेंटिटी किट तैयार हो जाए, इसकी कॉपीज बनाना और सारे पुलिस स्टेशन और टेलीविजन चैनल्स पे भेज देना। यस सर। सर, ये तो समझ में आता है कि रोजी और अरविंद ने पैसों के लिए रविंदर का खून कर दिया होगा, शिल्पा का खून करने की क्या जरूरत थी? और शिल्पा का खून करके किसी को क्या फायदा होने वाला था? सर, हाँ सर, रोजी और अरविंद की आइडेंटी किट बन गई है, ये देखिए। शिल्पा का खून क्यों हुआ, क्यों? एक बार फिर शिल्पा के घर चलते हैं। सर, आदया, सर बड़ी अजीब बात है, पूरे घर में शिल्पा और रविंद्र का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा, और सर ये देखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ था वो भी निकाला गया है। हाँ, क्यों पूरे घर में इन दोनों की एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? सर, हाँ सर, आइए सर, ये आरती है, साथ वाले घर में रहती है। आप शिल्पा और रविंदर को कब से जानती हैं? यही कोई 5 साल से। इन्हें पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। कौन है? कौन है? ये रविंदर है ना? मजाक कर रहे हैं आप, ये रविंदर नहीं है। मतलब मेरा शक सही निकला,
मेरा शक सही निकला। अभी से देखिए, लगता है गलती से आपने पहले दूसरा फोटो दिखा दिया। यही है रविंदर। अच्छा, यही रविंदर है? हाँ। अभिजीत, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब जगह। देखो ये रोजी और अरविंद उर्फ रविंदर कहीं भी भागने न पाए। अरे बस, पुणे की अगली गाड़ी के लिए दो टिकट देना। सर, दो घंटे के लिए कोई बसेस नहीं है, सारी बसेस फुल हो गई है। अच्छा, किसी भी बस में दो सीट्स तो होंगी ना, देखिए ना प्लीज। नहीं साहब। देखिए, जिस भी बस में अवेलेबल है प्लीज दो टिकट्स दे दीजिए। देखता हूँ। रविंदर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं चल के जूस पिए। यहाँ कोई कैंटीन भी नजर नहीं आ रही। सर, कैंटीन वहाँ पे है, वहाँ पे आपको जूस मिल जाएगा। ठीक है। हेलो सीआईडी, बैठने की जगह भी नहीं। रविंदर, मुझे बहुत डर लग रहा है, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना हम? टेंशन ले रही हो, कुछ ही घंटों में मुंबई से बाहर होंगे और कुछ ही दिनों के बाद हम इस मुल्क से भी बाहर। रविंदर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई हमें ही देख रहा है। अरे कोई भी नहीं देख रहा हमें, लेकिन अगर तुम इसी तरह घबराती रही ना तो किसी ना किसी को हम पर शक जरूर हो जाएगा। हम इतने सारे पैसों को क्या करेंगे? इस जिंदगी में तो खर्च नहीं कर पाओगे। पकड़ लो इन्हें। चलिए जाओ। बहुत सारे पैसों की लालच में आकर मैंने ये प्लान बनाया, और इस प्लान की कामयाबी के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी था, और इसीलिए हम लोगों को एक बली के बकरे की जरूरत थी। मंगेश नाम का एक एक्टर मेरे बार में आया करता था, एक्टिंग का उसे झांसा देकर हमने शिल्पा के साथ उसके कुछ फोटोग्राफ्स खींच ली। और शिल्पा फोटो खिंचवाने के लिए मान गई? शिल्पा को प्लान के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, उसका काम था पुलिस के सामने ये साबित करना कि मरने वाला मंगेश नहीं, उसका पति रविंद्र ही है। मगर उसे रोजी के बारे में पता चल गया, और यह भी पता चल गया कि तुम दोनों उसे धोखा देने वाले हो, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। अब अच्छी लंबी सजा काटोगे तुम दोनों। ले जाओ इन्हें। चलो चलो। केस तो सॉल्व हो गया, अब तुम लंबी छुट्टी पे जा सकते हो। अब हाँ, अब कहाँ टाइम है सर? क्यों, क्या हो गया? ये लो। अरे डॉक्टर साहब, टिकट? अरे सवाल मत पूछो, जल्दी से भागो, आधा घंटे में ट्रेन छूट जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.